आपको पता है रसखान भक्त कैसे हुए ठाकुर जी के? मैंने कथाओं में सुनाया है, रसखान को सुंदर रूप देखने की आसक्ति थी। अगर वो इस सभा में भी आते तो बस नजर घुमा के यही देखते कि इनमें सुंदर कौन है, और जो सुंदर दिख जाता उसी को ही देखते रहते। रसखान का ऐसा स्वभाव था। तो रसखान क्या करते थे कि रोज एक मार्ग से निकलते थे, उस मार्ग पर कोई बहुत सुंदर बालक था, उस बालक को रसखान ने अपने घोड़ा पर बैठाया, ले गए। और वो तो राजा के मंत्री हैं, उनको कौन रोक सकता है, और हिंदू परिवार का बालक। शाम को रसखान लौट करके आया, उसके घर पर उसको छोड़ दिया और उसके माता पिता से बोले कल इसको तैयार करके रखना, कल फिर ले जाऊंगा। बोले आप क्यों ले जाओगे? बोले खुदा ने इसको कितने 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 चुन करके इसके नैन नक्श बनाए, इसका रूप बनाया है, मैं तो इसको बहुत निहारना चाहता हूं, तुम इसको तैयार रखना। घर वाले तो घबरा गए, बोले रोज हमारे बालक को ले जाता है। एक दिन ब्रज के कोई रसिक गए थे, उनसे इस बात को कहा कि बोले रोज रसखान हमारे बेटा को ले जाता है। क्यों ले जाता है? बोले उसको रूप देखने का शौक है, वो रूप के प्रति आसक्त रहता है। बोले कल उसको हमसे मिलवाना। दूसरे दिन रसखान जैसे आया तो वो ब्रज के जो साधक गए थे उन्होंने कहा भैया तुम इस बालक को रोज ले जाते हो, पर तुमने हमें लगता है इससे बढ़िया बालक नहीं देखा अभी। रसखान बोला मैंने दुनिया की सुंदरता देखी है, मैंने सुंदर से सुंदर व्यक्ति देखे हैं, मैं लिख करके कलम तोड़ के कह सकता हूं इस बालक से सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। तो ब्रज के साधक ने कहा हम दिखाते हैं, इधर आओ। रसखान गया, अपने झोला में से नन्हे से गोपाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दो दतुइयां दिख रही हैं, घुंघराले केश हैं, ऊपर बेणी गूथ रखी है, उसमें सुंदर मोर पिच्छ लगा है, हाथन में माखन लगा है, थोड़ा थोड़ा माखन मुख पर सना हुआ है, ऐसे ठाकुर जी का मधुर स्वरूप जैसे अपने झोला से निकाल करके रसखान को दिखाया। रसखान कहने लगे ये बालक कहां मिलेगा? बोले वास्तव में ये बालक है? बोले हाँ है। कहाँ है? बोले वृंदावन में है। अच्छा किनका बेटा है? बोले इसके माता पिता का नाम है नंद बाबा और यशोदा मैया, इसके बड़े भैया हैं उनका नाम है बलभद्र भैया, वृंदावन में रहता है, टेढ़ी चाल चलता है, गैया चराता है, घर घर से माखन चुरा के खाता है, और इसी को देखने के लिए वृंदावन में भीड़ पड़ी है। कोई नाम जप कर रहा है, कोई एकादशी व्रत कर रहा है, कोई वृंदावन परिक्रमा कर रहा है, कोई यमुना जी में गोते लगा रहा है, कोई कथाएं सुन रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है। रसखान के चित्त में आ गया, बोले इन सबसे पहले मैं प्राप्त करूंगा इसको। तो अब रसखान गए तो इस भावना से थे कि एक सामान्य बालक है। वृंदावन पहुंच करके रसखान की जो स्थिति हुई, आपको रसखान ने दीक्षा भी ली थी, गुसाई श्री विठलनाथ जी, श्री वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र गुसाई श्री विठलनाथ जी से ब्रह्म संबंध लिया था रसखान ने। क्यों? बोले रसखान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये नियम करना, पालन करना, नियमों का पालन करना, ये सब क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए ही तो कर रहे हैं हम सब लोग, तिलक लगा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, इन सब के पीछे कारण क्या है? कृष्ण प्राप्ति। बस हम लोग भक्त बन के करते हैं, रसखान जो था वो उसको बस एक प्रेमी बन करके एक हद पार करना चाह रहा था कि मैं कैसे भी इस बालक से मिलूं। और उन्हीं क्रियाओं को करते 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 रसखान परम साधक हो गए। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, रसखान कहते मैंने सब जगह ढूंढा। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं रसखान की। देखो दूरों एक कुंज कुटीर में, रहो पलोटत राधिका पायन। रसखान कहते हैं ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, मैंने पुराणों में ढूंढा, मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे ब्रह्म नहीं मिला। ना बतायो लोग लुगायन,
चलते फिरते आदमियों से पूछता, तुमने नंद नंदन को देखा, तुमने यशोदा के लाला को देखा, तुमने कन्हैया को देखा, किसी ने नहीं बताया। तो फिर किसी ने कहा रसखान, तो फिर तुमको ठाकुर जी नहीं मिले, बोले मिले, बोले एक दिन मिल गए, बोले कहां, देखो दुरोवह कुंज कुटीर में। सब जगह ढूंढते 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 वर्षों बीत गए। जब वर्षों बीतते बीतते एक दिन एक सघन कुंज की ओर मैंने देखा, उस सघन कुंज में रत्न का सिंहासन था, उस रत्न के सिंहासन के ऊपर में परम सुंदरी परम तेजस्विनी त्रिलोकी नायिका श्री राधिका रानी बैठी हैं, और उन राधिका रानी के श्री चरणों में अपने सिर को झुकाए, बैठो दुरोवह कुंज कुटीर में, रहो पलोटत राधिका पायन। किशोरी जी के श्री चरणों में मैंने श्याम सुंदर को बैठे हुए देखा, वहां मैंने परब्रह्म को देखा। ऐसे श्री रसखान, क्या कहोगे रसखान के लिए, कैसे वो भक्त हो गया ठाकुर जी का, वो भी इतना बड़ा भक्त, ना ब्राह्मण है ना हिंदू है, कुछ नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि वो मुझसे प्रेम करे। इसीलिए हम चीख चीख करके गला फाड़ फाड़ के कहते हैं, ये आपको कृष्ण यदि एक बार भी प्रिय लग गए हैं उसी समय खुश हो जाइए, क्योंकि आपको यदि वो प्रिय लगे हैं तो इसका मतलब यही है कि उनको आप प्रिय लग गए हो, उनको आप भा गए हो, नहीं तो उनके भाई बिना आपको वो नहीं भा सकते। भाई लाखों लोग वृंदावन जाते हैं, सब वृंदावन के होके नहीं रह जाते, हजारों लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, राधारमण लाल जी का दर्शन करते हैं, पर हजारों में से 10 या 100 ही राधारमण जी के होके रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन 100 को राधारमण जी भा गए, उन 100 वो 100 राधारमण जी को भा गए। आज मैंने देखा जब वो बहन सुबह आई और उनके नेत्रों के अश्रु भाव और ठाकुर जी के प्रति जो प्रीति, ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम उन्होंने बताया, तो उनको देख करके यही चित्त से शब्द निकल रहा था कि इन्होंने नहीं चुना है ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने चुना है इनको। मैं तो कई में जाओ लाल जी को बार बार प्रणाम करके जाइयो, और तिलक लगा के आई थी, बहुत अच्छा लगा। भागवत जी के निर्माण का यही उद्देश्य था, भगवान के प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा ये तो सबके चित्त में आ जाता है, पर प्रेम ये सबके चित्त में नहीं आता। प्रेम उसी के चित्त में आता है जिससे ठाकुर जी चाह रहे हों कि मुझे प्रेम हो। और यह स्थिति कैसे बने कि ठाकुर जी के चित्त में ये आ जाए कि वो हमसे प्रेम कर लें, भागवत जी की कथा श्रवण करके जैसे जैसे भागवत जी में नियम बताए गए वैसा वैसा अपना निर्माण कर लो ठाकुर जी से, ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो जाएगा। लिख लीजिएगा हमारी एक बात, भजन साधन इसलिए नहीं करना है कि हमको ठाकुर जी से प्रेम हो, भजन साधन कथा इसलिए सुननी है कि हमारा निर्माण ऐसे हो कि हम ठाकुर जी को पसंद आ जाए। देखो जब लड़का पहली बार लड़की से मिलने जाता है ब्याह से पहले, जब दोनों का संबंध पक्का हो जाता है, तो परिवार वाले कहते हैं हाँ भाई अपनी बेटा बेटी को मिलवाओ, उस समय दोनों अपना श्रृंगार कैसा करते हैं वो इसी भाव से करते हैं, लड़का ऐसी बाल काट के जाएगा जो उसकी सबसे बढ़िया हेयर स्टाइल हो, क्यों उसको पसंद आ जाऊं मैं, सबसे बढ़िया वाली टी शर्ट पहन के जाएगा कि उसको भा जाऊं मैं, सबसे बढ़िया वाला परफ्यूम लगा के जाएगा कि उसको अच्छा लगे, भले ही पूरे दिन पड़ा रहता हो बिस्तर पे लेकिन उस दिन ऐसा बन के जाएगा टिप टॉप की महाराज ऐसा लगे, कितना सुपात्र है, वैसे तो कमर झुकी रहती है उसकी पड़ा ही रहता है लेकिन आज बिल्कुल ऐसा बैठेगा जैसे कितने एटिकेट्स हैं इसके अंदर, चाय भी ऐसे पिएगा जैसे आवाज ही नहीं आवे। आप लोग ये मत सोचना मुझे अनुभव है, अनुभव नहीं है, मैंने भी देखा है, अनुभव तो हुआ नहीं अभी तक। हाँ हमारे संग जितने इन सब के अनुभव मैंने देखे हैं। क्यों करता है वो ये सब, कि जिस कन्या से मेरा विवाह होने वाला है उसको मैं भा जाऊं,
ये कथा सुनना, कथा में बताए गए नियमों का पालन करना, उन नियमों पर चलना, जो मार्ग गुरुजन बताते हैं उनका पालन करना, ये क्यों करते हैं हम? ताकि इन मार्गों पर चल करके, इन नियमों का पालन करके हम ऐसे बन जाएं कि ठाकुर जी को हम भा जाएं, ठाकुर जी को हम प्रिय लग जाएं। और एक बार ठाकुर जी को यदि हम प्रिय लग गए तो निश्चित है कि प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाएगी, फिर उनके ही रहेंगे हम। हम कथा में गाया करते हैं, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। देखो अब हमारे मन में ऐसे ही उदाहरण आते हैं जिससे छोटे छोटे बच्चे, युवा बालक समझें। जैसे किसी विवाह में आप गए और विवाह में आपने जाकर के देखा, अब बहनें जो होती हैं वो क्या करती हैं, बहनों ने जाके देखा कि देखो दुल्हन कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, सो वो क्या करती है, पूछती है इसने अपना मेकअप कहाँ करवाया था, इतनी बढ़िया कहाँ से लग रही है। फिर बताएं कानपुर में वो वाली शॉप है, वहां से करवा के आई, इसीलिए इतनी बढ़िया लग रही है। तो फिर सब वहीं भागती हैं, हम भी वहीं करवा के जाएंगे, बढ़िया लगेंगे। ठीक वैसे ही मीराबाई को देखकर के हमारे चित्त में आया, इनको ठाकुर जी, ये ठाकुर जी के कैसे हो गए। सूरदास जी को देखकर के हमारे मन में आया, ये ठाकुर जी के कैसे हो गए। ये कुम्मन दास, हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरिदास, श्री रत्नावती जी, ये सब ठाकुर जी के कैसे हो गए। बोले भैया इनने श्रीमद् भागवत जी श्रवण करी थी और भागवत जी श्रवण करके भागवत के मार्गों को इन्होंने पालन किया, इसलिए ठाकुर जी के प्रिय बन गए। तभी हम लोग भी सब भागवत जी में आ गए, हम भी भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं, ताकि जिन मार्ग पर चल के हमारे हमारे मीराबाई ने, सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, कुम्भन दास जी ने, सूरदास जी ने ठाकुर जी को प्राप्त किया। भोंदू ने, भोंदू क्या करता था, कलकत्ता सुनी थी ना कथा, ही तो सुनता था अपने गुरुदेव से, और उसी की कृपा से उसको ठाकुर जी मिल गए। इसीलिए हम भी आए कथा में, ताकि यहाँ बताए गए मार्ग पर हम चलें और हमको भी ठाकुर जी मिले। गाओ भाव से, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे तस्वीर मन में बनाए रहे, हम उन्हीं
हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। श्री राधा करके दोहरा के गाओ, मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया मन की ममता को खींचे चली श्रवण का एक ही उद्देश्य है, क्या? हमारी प्रीति, हमारा प्रेम श्री कृष्ण से हो। क्योंकि वेद व्यास जी, आपके चित्त को शांति तभी मिलेगी जब ऐसी कोई रचना करोगे जिससे हरि प्रीति चित्त में प्रकट हो सुनने वालों के। तब नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और वह कथा सुनकर के श्री वेद व्यास जी महाराज ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके जब रचना की तब भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ।
बोलो भागवत महापुराण की। तो भागवत जी की रचना किस उद्देश्य से हुई? कृष्ण के प्रति प्रेम हो, कृष्ण के प्रति प्रेम का उद्दीपन हो, इस भाव से। नारद जी महाराज के भाव से वेद व्यास जी महाराज ने चिंतन किया, चिंतन करके फिर भागवत जी की रचना हुई। और वही भागवत की कथा श्री भागवत जी श्री सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी कौन है? श्री किशोरी जी के निज पक्षी हैं श्री सुखाचार्य जी। तरुवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले, तरुवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। श्री किशोरी जी के निज पक्षी हैं श्री सुखाचार्य जी। अब हमारे ब्रज के भाव में तो एक भाव ऐसा बन गया जिसके कारण श्री सुखाचार्य जी को पृथ्वी पर आना पड़ा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री सुखदेव जी महाराज नित्य किशोरी जी के समीप रहने वाले सुख पक्षी हैं। एक दिन नित्य गोलोक धाम में श्री ठाकुर जी का आगमन हुआ। ठाकुर जी को देख करके सबने प्रणाम किया, पर सुखाचार्य जी ने प्रणाम नहीं किया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्यों? सुखाचार्य जी के मन में, सुखदेव जी के मन में भाव आया, ये कौन है, मैं इनको जानता तो नहीं। उनका नाम तो खूब रटा था, सुखदेव जी का स्वभाव होता है कृष्ण गोविंद मुरारी मधुसूदन गोपाल ऐसा बोलते रहते हैं, पर वे जानते नहीं थे कि ये कौन है। बस किशोरी जी को सुख प्रदान करने के लिए बोलते रहते थे। जब सुखाचार्य जी ने प्रणाम नहीं किया, सुखदेव जी ने प्रणाम नहीं किया, उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया, तो फिर किशोरी जी ने डांटा, बोले तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया ठाकुर जी को। तो सुख पक्षी बोला, हे श्री जी, हे स्वामिनी जी, क्षमा करें, पर मैं तो पहचान ही नहीं पाया वो कौन है। अरे, जिनका नाम तुम दिन रात गाते हो वही तो थे। किशोरी जी को ये भाव पता चला कि भैया ये केवल नाम गाना जानता है, इसको केवल नाम रट गया है पर नामी को अभी नहीं जानता। अब दुनिया में लोग सब ठाकुर जी का नाम जानते हैं, गोविंद। बताओ गोविंद नाम क्यों पड़ा भगवान का? गोविंद नाम का अर्थ क्या होता है? अब ये कब पता चलेगा? जब कथा सुनोगे। गो यानी कि गाय, और विंद यानी कि उनकी रक्षा करने वाला, उसको गोविंद कहते हैं। अब ये तो था सामान्य अर्थ, ये तो कोई भी लगा देगा, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ क्या है? गो माने होता है इंद्रियां। क्या होता है? हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, आंख नाक जीव कान त्वचा, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय। और कर्मेंद्रिय हाथ पैर मुख और दो गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों को भटकने से जो बचाता है उसको कहते हैं गोविंद, उसका नाम है गोविंद। अभी कहां पता चलेगा आपको? कथा में बोलते रहो गोविंद गोपाल हरि मधुसूदन। अब हरि का मतलब क्या होता है पता है? हरि का यदि आप सीधा सीधा अर्थ पूछो, हरि मतलब होता है बंदर। लेकिन हरि का अर्थ ठाकुर जी के परिप्रेक्ष्य में अलग है। जो सबके चित्त का हरण करे, जो सबके मनोभाव का हरण कर ले, जो सबके आर्तों का हरण करे, वो हरि, वो श्री हरि। किशोरी जी ने मन में विचार किया कि इस सुख पक्षी को नाम तो रट गया है पर अभी नामी को ये नहीं जानता है। तब किशोरी जी ने आज्ञा की, अगर तुमको हमारे पास रहना है, हमारे संग रहना है, तो फिर श्री कृष्ण जिनका तुम नाम गाते हो उनको पहले पहचान के आओ, उनको पहले जान के आओ।
तब शुकाचार्य जी महाराज पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आपने प्रथम भागवत की कथा अमर कथा महादेव से श्रवण की। महादेव थोड़े नाराज हो गए, क्यों? व्यासपीठ के पीछे बैठ के सुन रहे थे, तो महादेव त्रिशूल लेकर के भागे। आप उड़ते उड़ते अपनी उड़ते उड़ते हिमालय के कंदराओं में आप सीधे कहाँ पहुँच गए? बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ में जाकर के आपने क्या किया? तो बोले वहाँ पर वेद व्यास जी की पत्नी मुख खोल करके जलपान कर रही थी, तभी आपने सूक्ष्म रूप धारण किया और उनके मुख में होके गर्भ में जाके विराजमान हो गए और 12 वर्ष तक बिटिका के गर्भ में रहे। 12 वर्ष बाद आपका माँ के गर्भ से जन्म हुआ, वही है श्री सुखदेव जी महाराज। तो बोले 12 वर्ष तक क्या कर रहे थे? बोले महादेव से सुनी गई कथा का मनन चिंतन कर रहे थे। 12 वर्ष बाद आपका जन्म हुआ, जन्म लेते ही आप वन में चले गए। वन में चले गए तो वहां से पूज्य पिताजी महाराज, आपके पिताजी वेद व्यास जी ने भागवत के श्लोकों का उच्चारण करके आपको बुलवाया और जब आप आ गए तो आपको संपूर्ण भागवत प्रदान की और वही भागवत की कथा फिर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। अब यहां पर सब लोग प्रश्न करने लगे, ये परीक्षित कौन है? इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? कृपा करके हमको इसके बारे में विस्तार से बताओ। और अब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित कौन है? हम आप सब परीक्षित हैं और हम आप सब लोगों को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। हम सबको 7 दिन में ही मरना है, वो बात अलग है कि दिन वो 7वां कब आएगा ये नहीं पता, पर हैं 7 ही दिन। 7 दिन के चक्र में ही हम सब बंधे हैं। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, महाभारत का प्रसंग मैंने बहुत कथाओं से विस्तार से कहा नहीं, आज कहूंगा, इसलिए भाव से सुनना। कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भृगनूरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत पहले की बात है, एक बार एक गांव में हमारी कथा हुई। ब्रज के पास ही एक गांव था, तो वहां हमने ऐसे ही कहा कि हम अब महाभारत का प्रसंग सुनाएंगे। तो एक गांव के बूढ़े बुजुर्ग कथा के बाद मेरे से मिलने आए। मैंने कि कहो बाबा। बोले व्यास जी, हमने तो आपको बुलायो कि आप हमको भागवत सुनाओ, आप तो महाभारत सुना रहे हो। मैंने कि बाबा, मैं महाभारत नहीं सुना रहा हूं, परीक्षित जी का परिचय दे रहा हूं, उस परिचय के लिए थोड़ी महाभारत कह रहा हूं। और महाभारत की कथा भागवत में नहीं है, महाभारत के विश्राम से कथा शुरू होती है। एक बार एक गांव में कथा हुई, वहां मैंने वृत्रासुर की स्तुति सुनाई। तो जैसी वृत्रासुर की स्तुति सुनाई तो मुझसे पहले 6 बार कथा और हो चुकी थी वहां पर किसी और की। तो जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा तो एक बाबा ने वहीं पकड़ लिया। बोले व्यास जी, कहीं से भी कथा सुना रहे हो? मैंने की है मतलब? बोले हम 6 साल से कथा सुन रहे हैं, वो व्यास ने तो कभी वृत्रासुर की कथा सुनाई नहीं, तुम कहां से सुना रहे हो? जो भागवत में तो नहीं है। मैंने की बाबा, तुम्हारे पाम पर हूं। मैंने की अब मैंने अगर प्रमाणित कर दिया तो उस व्यास के पास जाके पूछना उसने क्यों नहीं सुनाई। मैंने भागवत में कथा है। तो कभी कभी ग्रामीण क्षेत्र में कथा होती है ना, तो वहां के लोगों से बड़े आनंद आते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, तर्क अच्छे रहते हैं। तो महाभारत का प्रसंग है छोटा सा, ध्यान से सुनिएगा। और कब का प्रसंग है? बोले युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है, बड़े बड़े वीर अपनी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, केवल 2 लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है। कौन? भीम और दुर्योधन। तभी भीम ने क्या किया, दुर्योधन के मस्तिष्क पर अपनी प्रचंड गदा का प्रहार किया,
लेकिन गदा के प्रहार से उसके मस्तिष्क पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? कथा सबको पता होगी, दुर्योधन का जो अंग है वो लोह अंग है, लोहे का है। तभी भीम ने भगवान की ओर देखा, अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, ऐसे तीन बार थपथपी देकर के मानो उसको कह दिया कि इसकी जंघा पे मारो। भीम ने जैसे ही उसकी जंघा पर प्रहार किया, जंघा टूट गई और दुर्योधन वहीं गिर गया। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। गांधारी जो थी कौरवों की माता जी, उनका विवाह जब धृतराष्ट्र से हुआ तो उन्होंने संकल्प ले लिया, मेरे पति नहीं देख सकते, नेत्रहीन है, मैं भी आंखों पर पट्टी बांध लूंगी, मैं भी पूरी दुनिया नहीं देखूंगी। हमारे नेत्रों से भी ऊर्जा जाती है, बोलने से, चलने से, कुछ क्रिया करने से, बहुत देखने से भी हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। बुरा नहीं मानिएगा, पर बहुत ज्यादा संसार को देखने की इच्छा रखने वाले और बहुत ज्यादा संसारी क्रियाओं को देखने वाले लोगों के चेहरे थोड़े थोड़े से उड़े उड़े से हो जाते हैं। भगवत दर्शन करने वालों को देखो, भगवत आराधन करने वालों को देखो, उनके चेहरे का अलग ही एक नूर जैसा होता है। पर जो बहुत संसारी विषय भोगों का दर्शन करते हैं ना, बहुत ज्यादा संसार के प्रति जिनकी रुचि होती है, उन तेज हीन हो जाता उनका चेहरा। क्यों? हमारी ऊर्जा नेत्रों से जाती है। इसलिए नेत्रों से भी भैया देखो ठाकुर जी को ही, और या ठाकुर जी के जनों को। तो गांधारी ने नेत्रों पर पट्टी बांध ली। अब उसके नेत्रों की जो ओज थी, उसकी नेत्रों की जो ऊर्जा थी, वो इतनी इकट्ठी हो चुकी थी, और उसके पास में एक दिव्य तेज भी था, पतिव्रता नारी का। पतिव्रता नारी है, अपने पति के लिए नेत्रों पर पट्टी बांध ली। इन सबके प्रभाव से गांधारी के नेत्रों में एक ऐसा बल आ गया था कि अब वो जिसको देख लेगी वो लोहे का हो जाएगा। ये बात जब गांधारी को पता चली, उसने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि तुम निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ, मैं पट्टी खोल के तुमको देखूंगी। अब तक जितना भी बल मेरे नेत्रों में तेज पुंज जमा हुआ है, उस सब से तुमको मैं लोहे का बना दूंगी। महाभारत युद्ध में कोई तुमको परास्त नहीं कर पाएगा, और तुम परास्त नहीं होगे तो विजय कौरवों की होगी। दुर्योधन अर्धरात्रि का समय और निर्वस्त्र होकर के जा रहा था अपनी मां से मिलने, तभी द्वारिकाधीश आ गए। हमारे ठाकुर जी बड़े आनंद वाले हैं, जैसे ही सामने से ठाकुर जी आए, अब निर्वस्त्र अवस्था में वो तो जा रहा था, और ठाकुर जी को देख करके छिपने लगा इधर उधर। भगवान बोले, ए अर्धरात्रि में निर्वस्त्र होके कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, ठाकुर जी क्षमा करना, माँ ने बुलाया। तो बोले, अरे तो माँ के सामने, बोले माँ के सामने तो जा सकते हैं। बोले, तो भाई माँ के सामने भी एक आयु होती है, उस आयु तक ठीक है, बाल अवस्था है तब तक तो रहो कैसे भी, पर भाई थोड़ी तो मर्यादा रखो। माँ भी देवी का स्वरूप होती है, उसके सामने भी इस प्रकार तो नहीं जाना चाहिए। बोले, माँ ने आज्ञा करी। तो बोले, ठीक है तो माँ के सामने जाओ, पर अपने कटी भाग को ढक करके जाओ, केले के पत्ते से ढक लिया। भगवान बोले, अब जाओ और सुनो, मां को बोलना नहीं, जब देख ले तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि ढक के आए हो। और मां की तो ममता है, मां तो चाहती है कि मेरा बालक तो हमेशा छोटा ही है, पर तुम अपनी मर्यादा का पालन करना। दुर्योधन बोला, ठीक है। जैसे ही गया मां से जाकर, बोले, मां मैं आ गया। बोले, और तो कोई नहीं, बस निर्वस्त्र हो ना। बोले, हां मां। नेत्र खोल करके जैसे ही देखा, प्रथम दृष्टि में ही एक दिव्य तेज निकला और दुर्योधन का सर्वांगण अंग लोह का हो गया, केवल जंघा रह गई। मां ने कहा, अरे पागल, ये तू क्या करके आया?
बोले माँ मुझे शर्म आ रही है, आपके सामने ऐसे तो नहीं आ सकता। बोले तुम तेरी माँ हूं, मुझसे क्या शर्माता है। अब महाभारत युद्ध में अगर तुम्हारी हार का कारण बनेगा तो तुम्हारी जंघा ही बनेगी। एक कारण, जंघा पर प्रहार इसलिए किया। दूसरा कारण, अच्छा मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं जंघा के प्रहार का, क्योंकि धर्म युद्ध में नियम है नाभि से नीचे आप प्रहार नहीं कर सकते। ये जितने भी युद्ध प्राचीन काल में होते उसमें नियम होता था कि आप नाभि से नीचे नहीं मार सकते हैं सामने वाले योद्धा को, यदि मारते हैं तो आप अपराधी माने जाओगे। और रोज शाम को युद्ध विराम होता था, सूर्यास्त होते युद्ध रुक जाता था, और आपस में राजा भी बात करते थे, सैनिक भी बात करते थे, ऐसा रूप होता था युद्धों का। उसमें यदि यह देखने में मिलता था कि किसी योद्धा के पैर में बाण मारा गया है तो फिर राजा को क्षमा मांगनी पड़ती थी और फिर उसका भी रूप होता था। तो नाभि से नीचे प्रहार करना यह धर्म युद्ध के विरुद्ध था, तो फिर भीम ने क्यों मारा, और वो भी भगवान की आज्ञा से। तो पहला कारण, और कोई उपाय ही नहीं था कौरवों को हराने का, यही उपाय था। दूसरा कारण, जब भरी सभा में कौरव द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहे थे, दुशासन साड़ी खींच रहा था, उस समय चिल्ला चिल्ला करके दुर्योधन कह रहा था हंसते हंसते, जल्दी निर्वस्त्र करो और निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठाओ इसको। उस समय भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि द्रौपदी तो आज नहीं बैठेगी तेरी जंघा पर, लेकिन वचन देता हूं एक दिन मेरी प्रचंड गदा जरूर बैठेगी तेरी जंघा पर। और आज दुर्योधन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, इसलिए जंघा पर प्रहार किया। लेकिन तभी देवता दौड़े दौड़े नारद जी के पास गए और नारद जी से जाके बोले, ओहो देखो आपने देखा महाभारत युद्ध में क्या हुआ। नारद जी बोले क्या हुआ। बोले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के विरुद्ध आचरण करवाया भीम से, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करवा दिया जो कि धर्म विरुद्ध था। नारद जी महाराज बोले अब बीच युद्ध में तो मैं नहीं जा सकता, पर मैं कोई और उपाय ढूंढता हूं। नारद जी दौड़े दौड़े कहां गए, पूरे युद्ध में सब लोग थे एक व्यक्ति को छोड़ के, महाभारत युद्ध में एक व्यक्ति नहीं था। कौन? बलराम जी। बलराम जी नहीं थे, क्यों? क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का शिष्य है, तो कौरव पक्ष में शिष्य और पांडव पक्ष में भैया, तो बलराम जी असमंजस में पड़ गए, मैं कहां जाऊं, शिष्य का साथ दूं या भैया का साथ दूं, शिष्य के विपरीत में भी नहीं खड़ा हो सकता, गुरु हूं और भैया के विपरीत में भी नहीं। तो पर बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए, बोले मैं रहूंगा ही नहीं महाभारत युद्ध में। लेकिन आज नारद जी ने जाकर के बलराम जी को बद्रीनाथ में जाकर के खबर दी, बोले बलराम जी आप तीर्थ यात्रा पर हैं, क्षमा करना। बलराम जी बोले वो सब ठीक है, ये बताओ महाभारत युद्ध में क्या चल रहा है। तो बोले वही तो बताने आया हूं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, आपका शिष्य परास्त हो गया दुर्योधन। बलराम जी बोले ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, पर कैसे। बोले ये सुनकर के आपको क्रोध आ जाएगा कि भीम ने उसकी जंघा पर प्रहार किया। बलराम जी बोले जंघा पर प्रहार कैसे हो सकता है, वो तो धर्म युद्ध है। बोले आप ये सुन के और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे कि कृष्ण की आज्ञा से किया। बलराम जी बोले ये लाला के तो सबरे ऐसे ही काम है, अपने भक्तन को बड़ो पक्षधर बन जाए, जहां जावे अपनी मनमानी करे, पर मैं ये सहन नहीं करूंगा। नारद जी मेरे को पता चल जाए कहीं धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा है, मैं तुरंत जाकर के उस युद्ध को समाप्त करूंगा। अभी देखता हूं जाकर के भीम को इसने कैसे कर दिया ये काम, और लाला से तो बाद में बात करूंगा, पहले भीम को जाके देखूं। तुरंत महाराज बलराम जी को क्रोध आ गया, माला झोली पकड़ा दी नारद जी को, तुरंत अपने हल मूशल लेकर के दौड़े कुरुक्षेत्र के मैदान में। देवताओं का काम है नमक मिर्च डालना ताकि लीला में कुछ ऐसा देखने को मिले कि भगवान कुछ अलग करें। जैसे
पिक्चर यदि हंसी 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 सीधी सीधी मुस्कुराने वाली कोई बना दे तो पिक्चर ज्यादा चलेगी नहीं। तो क्या करो, बोल पिक्चर में नमक मिर्च डालो, उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा मार काट हो, कुछ ऐसा हो, तब लोगों को देखने में इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे ही देवता सब भगवान की लीला देख रहे हैं। देवता बोले ये तो ऐसे ही जीत गए महाभारत युद्ध, कुछ हुआ तो है नहीं ऐसा जिसमें थोड़ा लगे कि हाँ तड़क बड़क हुई हो। सोई नारद जी को भेजा, जाके कुछ करो। नारद जी ने कर दिया। महाराज यहां पांडव सब अपनी विजय का उत्सव मना रहे थे, तभी पृथ्वी डमाडोल होने लगी, भूकंप आने लगा, आकाश के सूर्य कंपित होने लगे, गर गर करके बादलों ने गरजना प्रारंभ किया। पांडव सब भगवान की शरण में गए, बोले भगवान प्रलय आने वाला है। और प्रलय दो ही स्थिति में आ सकता है, या तो नारायण कोपित हो जाएं, या नारायण जिस शेषनाग पर लेटे हैं वो शेषनाग कोपित हो जाए, क्योंकि शेषनाग के फण के ऊपर तिल के रूप में विद्यमान है पृथ्वी, और शेषनाग ही बलराम जी हैं। भगवान बोले पांडवों ऐसा क्यों लग रहा है कि बलराम जी आ रहे हैं और क्रोध में भर के आ रहे हैं। तभी देखा कि प्रचंड क्रोध में भरे बिल्कुल सूर्य के भांति तेज प्रकट हो रहा था बलराम जी, हल मुशल लेकर के दौड़े चले आ रहे हैं कुरुक्षेत्र मैदान की ओर। बलराम जी को देख करके भीम घबरा गया, बोले ये मुझे ही मारने आ रहे हैं, मैंने इनका शिष्य गिर दिया है नीचे, ये मुझको ही मारने आ रहे हैं, ठाकुर जी मेरी रक्षा करो। भगवान बोले तू बैठ। सामने से बलराम जी दौड़ने लगे, यहां से ठाकुर जी दौड़े बलराम जी की ओर। देवता बोले हमने तो सोचा था नमक मिर्च डलेगा, पर ये तो भैया प्रलय होने वाला है। क्यों, शेषनाग और नारायण दोनों में युद्ध, कृष्ण और बलराम में युद्ध होने वाला है। तीव्र गति से बलराम जी आ रहे हैं और यहां से तीव्र गति से ठाकुर जी आ रहे हैं। जैसे ही दोनों बिल्कुल टकराने ही वाले थे, उसी क्षण में ठाकुर जी रुक गए और रुक करके बलराम जी के सामने दंडवत हो गए, दंडवत प्रणाम करने लगे, दंडवत गिर गए। भैया स्थिति कैसे संभालनी चाहिए श्री कृष्ण से सीखो। अब बलराम जी ने जैसे ही देखा कि सामने मिट्टी में मेरो श्याम सुंदर मेरो नेक्सस और लाला दंडवत प्रणाम कर रहा है, बलराम जी तो गुस्सा मुस्सा भूल गए, भीम भीम सबको भूल गए, हल मुसल दूर फेंक दिए, दौड़ के गए बलराम ठाकुर जी को उठा करके हृदय से लगा। अरे मेरो लाला इतने दिना है गए, तू तो मुझे मिलो ही ना, तेरे दर्शन के काजे मेरे नेत्र तरस रहे लाला, तू कैसो है। अच्छा ठाकुर जी का स्वभाव है अपने जनों से मिलते हैं सोई प्रभुता छोड़ देते हैं, बिल्कुल ये भूल ही जाते हैं कि वो भगवान है, नेक्स्ट से ठाकुर जी बन जाते हैं। बलराम जी के हृदय से लगे, बोले मोकू भी आपकी बहुत याद आ रही दाऊ दादा। बलराम जी का क्रोध ठंडा कर दिया। ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं हम लोगों को, बोले भैया बड़े बुजुर्ग और ये बड़े लोग जो होते हैं ना, इनको जब भी क्रोध आए तो क्या करना है, पाम पकड़ लो, चरणन में लोट जाओ महाराज, क्योंकि बड़े